फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर थर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। अब हम हमारा थर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन देखने जा रहे हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेंड मीन्स द नंबर विच इज टू बी मल्टीप्लाइड, मतलब वो नंबर जिसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लायर यानी वो नंबर जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, द नंबर बाय विच इट इज टू बी मल्टीप्लाइड, वो नंबर जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है उसे मल्टीप्लायर कहते हैं, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। 8 × 4 = 32। 8 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेंड मतलब जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, और 4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर यानी कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 8 × 4 = 32। 32 क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है 16 × 9। 16 यानी मल्टीप्लिकेंड जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, और 9 यानी मल्टीप्लायर जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 144। ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 72 × 4 = 288। 72 यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेंड हो जाएगा जिस नंबर का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, और 4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर यानी हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इक्वल्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 288, जो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ओके, वी आर गोइंग टू सी अबाउट आवर फोर्थ मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज डिवीजन। अब हम फोर्थ मैथमेटिकल ऑपरेशन देखने जा रहे हैं, जो कि क्या है, डिवीजन है। तो डिवीजन में डिविडेंड वो होता है जिसे हमें डिवाइड करना होता है, डिवाइजर यानी कि वो नंबर जिससे हमें डिवाइड करना होता है, और क्वोशेंट यानी कि इन दोनों का डिवीजन होने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्वोशेंट कहलाता है, और रिमाइंडर, अगर क्वोशेंट आने के बाद हमारे पास कुछ रिमाइंडर नीचे बसता है सब्ट्रैक्शन के बाद, तो वो रिमाइंडर होता है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए है, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ 18 / 2, मतलब 18 क्या है हमारे पास, डिविडेंड जिसे हमें डिवाइड करना है, 2 क्या है हमारे पास यहाँ पर, डिवाइजर मतलब जिससे हमें डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ डिवाइड किया 18 / 2, 18 को 2 से डिवाइड किया तो 2 × 9 = 18 होता है, 18 − 18 यहाँ हमारे पास 0 बचा। ये क्या है हमारे पास, डिविडेंड है जिससे हमें डिवाइड करना था, 2 क्या है, डिवाइजर जिससे हमने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास यहाँ आंसर आया ये क्या है हमारा, क्वेशेंट। ठीक है, और यहाँ रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 0। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, 19 / 3, 19 को 3 से डिवाइड करना है, मतलब 19 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम 3 से 19 को डिवाइड करते हैं, तो 3 × 6 = 18, 19 में से 18 को माइनस किया तो हमारे पास 1 बचा, यहाँ हमारे पास ये 3 हो गया हमारा डिवाइजर जिससे हमें डिवाइड करना था, 19 हो गया हमारा डिविडेंड जिसे हमें डिवाइड करना था। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया 6, मतलब वो क्या हो जाएगा हमारा, क्वोशेंट हो जाएगा, और यहाँ हमने 19 में से 18 माइनस किए तो हमारे पास आंसर बचा 1, ये क्या हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर। ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिया है जिसे यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि हमने जो डिवीजन किया है वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, फॉर्मूला है डिविडेंड मतलब जिस नंबर को डिवाइड करना है इक्वल्स डिवाइजर मतलब जिससे हमें डिवाइड करना है इनटू क्वेश्चन, डिवाइड करने पर जो आंसर आता है वो क्वेश्चन, प्लस रिमाइंडर जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बाद बचता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लिया है 19 / 3, 19 को 3 से डिवाइड करना है तो हमने यहाँ सॉल्व किया 19 / 3, तो 3 × 6 = 18,
अब 19 में से 18 माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 1। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो डिवीजन है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम। यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं डिविडेंड। यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड क्या है, 19, तो हम लेंगे 19 इक्वल्स डिवाइजर, यानी जिससे हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया हमने यहाँ पर 3, तो हम यहाँ लेंगे 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाय कोशंट, हमारे पास रिजल्ट क्या आया 6, वो लेंगे प्लस रिमाइंडर जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बाद बचा, यहाँ हमारे पास बचा 1, तो प्लस 1 लेंगे। ठीक है, अब 19 इक्वल्स 3 सिक्स क्या होगा 18 प्लस 1, 19 इक्वल्स 19। देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए ना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, हमारे पास दोनों इक्वल आ गए, मतलब हमारा डिवीजन करेक्ट है। ठीक है,